गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है यूजेस ऑफ लेंसेज। आपको पता है हमारे पास टू टाइप के लेंसेज हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो आज हम उन्हीं के यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस, मींस कन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो अपने आप में ये एक क्वेश्चन भी है कि विच टाइप ऑफ या विच लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो आप बोलोगे कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। व्हाई में आप इसका रीजन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, आपको आज फिर रिपीट कर देता हूं। बिकॉज कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज और यू कैन से फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनता है, आप उसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो यूजेस नंबर वन, कन्वेक्स लेंसेज आर इंप्लॉयड इन द स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस ब्रैकेट में हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मींस जो फर्स्ट यूज है कन्वेक्स लेंस का या फिर वन ऑफ इन दिस जो सिक्स आपके पास यूज है वो आपके पास क्या है कि ये आपके पास स्पेक्टिकल्स के अंदर चश्मों के अंदर यूज होता है और कौन से डिजीज को दूर करने के लिए होता है, लॉन्ग साइटेडनेस और यू कैन से हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक आई डिफेक्ट है, उसे दूर करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस के चश्मे और यू कैन से स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, लॉन्ग साइटेडनेस और यू कैन से हाइपरमेट्रोपिया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, और इसे हम दूर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ओके, सेकंड हमारे पास है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता ही है, एक स्टिक के ऊपर राउंड राउंड लगा होता है, देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, तो उसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस होता है वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। ये बात भी आपको याद रखनी है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये यूज होता है वॉचमेकर के और या ज्वेलर से, या ज्वेलर यूज करते हैं या फिर वो इसे वॉचमेकर यूज करते हैं और कई बहुत बार इसे एस्ट्रोलॉजर भी यूज करते हैं। तो आपके पास आ गया विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड बाय वॉचमेकर, तो आप बोलोगे कन्वेक्स लेंस। ओके, तो सेकंड यूज अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको इसे प्रिपेयर करना है। थर्ड, कन्वेक्स लेंसेज आर कॉमनली यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के अंदर भी आपका कन्वेक्स लेंस कॉमनली यूज होता है, आपने ये बात भी ध्यान रखनी है। तो आपके पास आ जाएगा विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, तो आंसर क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। फोर्थ वन, कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन सर्च लाइट एंड फिल्म प्रोजेक्टर। तो जो आपके पास फिल्म प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें एक लेंस यूज होता है, वो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। और सर्च लाइट के अंदर भी आपके पास कन्वेक्स लेंस यूज होता है। तो इसके लिए अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले कि सर्च लाइट में कन्वेक्स लेंस कैसे यूज होता है या क्यों यूज होता है, तो आपको पता है आप क्या करोगे, पैरेलल बीम वाला डायग्राम बना दोगे, पैरेलल बीम फोकस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, और उस फोकस पॉइंट पर जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सर्च करने में हेल्प रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फोर्थ यूजेस को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपके पास आता है फिफ्थ यूज, अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म इन फोटोग्राफिक कैमरा। फोटोग्राफिक कैमरास के अंदर भी आपका कन्वेक्स लेंस ही यूज होता है। इसके बाद आपके पास है ह्यूमन आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस होता है और उस लेंस की शेप के अकॉर्डिंग या फिर उसे आपने डायरेक्ट याद रखना है कि वो जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंखों में भी इस टाइप से एक लेंस होता है जो हमें इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये जो लेंस आपके पास है ये शेप के अकॉर्डिंग कह लो या सीधा याद रखो कि वो लेंस भी कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो आपके पास कन्वेक्स लेंस के सिक्स यूजेस मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा जाएगा राइट थ्री यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आप इन छह में से कोई भी तीन यूजेस लिख सकते हो। अदरवाइज ये छह के छह पॉइंट अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है, आपने इन्हें भी प्रिपेयर करना है। इसी तरह से यूजेज ऑफ कनकेव लेंस, जैसे आपके पास कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है उसी तरह से कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कनकेव लेंस पैरेलल बीम को डाइवर्स करता है। डायग्राम आप डायग्राम वाले पोर्शन से देख सकते हैं। ठीक है, कन्वेक्स कनकेव लेंस के
आपके पास अभी सिर्फ दो ही यूजेस हैं, कन्वेक्स लेंस के ज्यादा हैं, 6 हैं, तो कनकेव लेंस के सिर्फ 2 हैं, आप इन दोनों को प्रिपेयर कीजिए। कनकेव लेंस आर इंप्लॉयड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, जैसे यहां पर था कन्वेक्स के अंदर क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, कनकेव के अंदर शॉर्ट साइटेडनेस है। यहां पर आपके पास हाइपरमेट्रोपिया था, यहां पर आपके पास क्या रहने वाला है, मायोपिया रहने वाला है, डिफेक्ट ऑफ विजन। मींस यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसे आपने बड़े ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से इसको प्रिपेयर करना है कि विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया टू करेक्ट मायोपिया, तो आप लिखोगे कनकेव। अगर आपके पास आ जाए हाइपरमेट्रोपिया तो आप बोलोगे कन्वेक्स। अगर आपके पास आ जाए शॉर्ट साइटेडनेस तो बोलोगे कनकेव। अगर आपके पास लॉन्ग साइटेडनेस आता है तो आप बोलोगे कन्वेक्स। लास्ट, कनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन गैलीलियो टेलीस्कोप, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमने यहां पर कन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में कन्वेक्स लेंस यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेशली मेंशन हो जाए गैलीलियो टेलीस्कोप तब आप क्या बोलोगे, कौन से लेंस यूज होते हैं, देन वी यूज कनकेव लेंसेज। ओके, गैलीलियो टेलीस्कोप में कनकेव लेंसेज यूज होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट आपके पास था यूजेस से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारा आज की वीडियो लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक था, यूजेस। अब हम चलते हैं इसी वीडियो लेक्चर के सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा पावर ऑफ लेंसेज। सेकेंड टॉपिक आज की वीडियो लेक्चर का जो सेकेंड टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा पावर ऑफ लेंस, और यू कैन से लेंसेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपके पास कैसे रहेगी, पहले समझ लीजिए पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है इट इज द मेजर ऑफ, यानी कि क्या करता है, ये हमें बताता है, क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए लेंस। मींस हमें ये क्या बताता है, ये हमें डिग्री बताता है। डिग्री का मतलब क्या है, कितना इफेक्टिवली एक लेंस कन्वर्ज करता है और कितना इफेक्टिवली डाइवर्ज करता है। अब क्योंकि आपको पता लग चुका है कन्वर्जेंस का मतलब होता है कन्वेक्स से, डाइवर्जेंस का होता है कनकेव से। मींस एक कनकेव लेंस आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दो कनकेव लेंस है तब ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी है कि एक लेंस दूसरे लेंस से कितना अलग है, कैसे अलग है। तो उस के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें रहती है पावर की, कि एक लेंस की पावर कम है, एक लेंस की पावर ज्यादा है। सपोज करेंगे मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है, दोनों मार्कर हैं, लेकिन अब क्या करेंगे हम इसमें से ऐसे कर सकते हैं कि किसके अंदर इंक कम है, किसके अंदर इंक ज्यादा है, डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा ना। उसी तरह से अगर आपके पास दो कनकेव लेंस है तो हमें अब ये देखना है कि किस एक लेंस दूसरे लेंस से कैसे ज्यादा है, या उसके अंदर प्रॉपर्टी वाइज क्या चेंज है। तो वही चीज यहां पर कौन डिफरेंशिएट करता है या हमें कौन बताता है, पावर ऑफ ए लेंस बताता है, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन लेंस की, पावर ऑफ लेंस की चल जाती है। एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है पावर ऑफ लेंस की, वो भी लिख लेते हैं। पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द या इट्स फोकल लेंथ। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो रही है, जो पावर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मींस 1/focal length ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ के से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इन मीटर। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। इस चैप्टर के आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे वहां पे सेंटीमीटर में था, लेकिन ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपको पावर निकालनी है तो उसके लिए फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, और फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आपको फॉर्मूला पता लग गया, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास, डेफिनेशन से पावर का फॉर्मूला बन गया,
अब बारी ये आती है कि जब फॉर्मूला हमें पता लग गया तो हमें SI यूनिट भी पता लग जानी चाहिए। तो पावर की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या बन जाएगी? जैसे आपको पता है कि फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो पावर की SI यूनिट क्या बनेगी? 1/मीटर बनेगी, मींस पर मीटर बनेगी। और पर मीटर को हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। ओके, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर हमें 1D को डिफाइन करना है, डेफिनेशन और यू कैन से डिफाइन 1D, तो हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ ए लेंस इज सेट टू बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ध्यान से देखिए, पावर ऑफ ए लेंस इज सेट टू बी, इज सेट टू बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज, व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, अगर हमारे पास लेंस दिया हुआ है और उसकी फोकल लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, तो जो पावर की या फिर 1 डायोप्टर की जो SI यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर और 1 डायोप्टर 1 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैंने पावर की आपको डेफिनेशन बता दी है, पावर का फॉर्मूला बता दिया, पावर के फॉर्मूले की जो यूनिट होती है SI यूनिट आपको वो बता दी गई है। और अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए, डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर और यू कैन से डिफाइन 1 डायोप्टर, तो इस तरह से आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो लेंस अवेलेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास लेंसेस 2 टाइप से अवेलेबल हैं, कंकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और यू कैन से कंकेव लेंस। तो फोकल लेंथ, पावर किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। अब फोकल लेंथ में क्या जरूरी होता है? उसका साइन कन्वेंशन जरूरी होता है। तो जैसे कि आपको पता है दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, और इस केस में जब हम फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, दैट इज वाई पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। इसके कन्वर्स जो फोकल लेंथ होती है कंकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है, इसीलिए पावर भी जो होती है वो फोकल लेंथ, जो पावर होती है कंकेव लेंस की वो भी हमारे पास क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो ये 2 पॉइंट भी आपने याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। नोट कीजिए इस बात को, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, चलो पहले कंकेव लिख लेते हैं, पावर ऑफ कंकेव लेंस इज नेगेटिव बिकॉज बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। जो फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसलिए जो पावर है वो कंकेव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव बिकॉज फोकल लेंथ, बिकॉज फोकल लेंथ, बिकॉज ऑफ इट्स, because of its focal length is positive। ठीक है, तो आपको पता है कई बार आप जब स्पेक्स लगाते हैं किसी पर्सन को, आपको स्पेक्स लगा हुआ देखा होगा, वो बोलता है कि नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? कि जो लेंस लगा हुआ है वो किस कैटेगरी का लगा हुआ है। मान लो कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को लेंस लगा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? वो कन्वेक्स लेंस उसे लगा हुआ है, और नेगेटिव है तो कंकेव। और यूजेस से आपको पता लग जाएगा कि कंकेव लेंस कब यूज होता है, यानी कि उस पर्सन को कौन सी डिजीज हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बताई कन्वेक्स लेंस के लिए हाइपरमेट्रोपिया यूज होता है। तो अगर आपको पता लग जाए किसी बच्चे का जो नंबर है, लेंस का जो नंबर है वो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव लेंस होने की वजह से आपको पता लग गया कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस किस डिजीज में यूज होता है? हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उस बच्चे को कौन सी आई डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया, और यू कैन से लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकते हैं, आपको अपना दिमाग अच्छे से यूज करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये था सारा, एक पॉइंट और है गैस के अंदर। अभी हमने पढ़ लिया है
पावर कब नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है, हमें ये बात पता लगी है। इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, वो लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास, आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसके बाद मैं इसको ड्रॉप करने जा रहा हूं, ठीक है, इसे आपने नोट कर लिया। अगर हमारे पास सपोज करो टू लेंसेज कंबाइंड है, सपोज करो इस तरह से हमारे पास लेंस वन और इसी तरह से सपोज करो हमारे पास ये है लेंस टू, ठीक है, लेंस वन लेंस टू, लेंस वन की पावर सपोज करो पी वन, लेंस टू की पावर सपोज करो पी टू, तो जो कंबाइंड सिस्टम है ये जो कंबाइंड सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम जो हमारे पास ये बना है लेंसेज का, इसकी टोटल पावर कितनी होगी अगर हमसे ये पूछ ले जाए, तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने P1 प्लस P2 करना है, यानी कि आप जितने भी लेंस को कंबाइन करते हो और टोटल पावर आपसे पूछ ली जाए, तो आपने क्या करना है, जो इंडिविजुअल पावर होंगी आपने उन्हें ऐड कर देना है उस पूरे सिस्टम की, या कंबाइंड सिस्टम की कह लो या पूरे सिस्टम की जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी, और साइन के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास वहां पर साइन आता है पॉजिटिव नेगेटिव, आप उस कंबाइंड सिस्टम की टोटल नेचर भी आप बता सकते हो। सपोज करो आपके पास एक लेंस है कनकेव और एक लेंस है कन्वेक्स, ओके, दोनों की पावर अलग अलग होंगी, लेकिन जब आप उन्हें सम करोगे तो अगर सम करते हुए सम आपके पास आ जाता है विद पॉजिटिव साइन, तो आप नो डाउट, तो आप ये बोलोगे जो कंबाइंड सिस्टम है वो कन्वेक्स की तरह और यू कैन से कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, ओके, और अगर दोनों को कंबाइन करने पर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, कनकेव, कनकेव का मतलब क्या है, वो कंबाइंड सिस्टम डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा, ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, ये भी बात आपने समझनी है, ठीक है, तो इस बात को और नोट कर सकते हो आप, टोटल जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसकी पावर कैसे दी जाएगी, इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर ऑफ लेंसेस, ठीक है, टोटल कंबाइंड सिस्टम की। अगर मैं यहां पे डेफिनेशन की बात करूं या एक टर्म की बात करूं, तो वो टर्म हमारे पास कैसे बनती है, ध्यान से देखो, इफ अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, इफ अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, देन द रिजल्टेंट पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज, तो इस स्टेटमेंट को भी आप नोट कर सकते हैं, सबकी बुक में मैंने आपको जो थीम है जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। चलिए इससे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, ठीक है, अब टाइम आ गया पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने समझने वाला पॉइंट समझ लिया होगा, अब जल्दी से करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, द पावर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, स्टेटमेंट पूरी लिख देता हूं, चलो एक ही क्वेश्चन कराता हूं, उसकी पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं, द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास इज पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, वट इज इट्स पावर, वट इज इट्स पावर, आपको बताना है उसकी पावर क्या होगी, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, 1/focal length, अब focal length क्या दी हुई है, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, यानी कि focal length यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करोगे, मीटर में कैसे चेंज होगा, 100 से डिवाइड करके, तो ये क्या बन गया आपके पास 5/100 meter, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 5/100 को सॉल्व करें तो 0.05, तो 1.0.05 पॉजिटिव साइन, तो यहां पर आएगा इस पॉइंट को हटाएंगे 100 by 5, दैट इज पॉजिटिव 20 डायोप्टर, पावर आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव 20 डायोप्टर आपके पास क्या आ गई है, पावर ऑफ दैट लेंस आपके पास आ गई है। अब इसी के अंदर, इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछ लेता व्हाट इज द नेचर ऑफ द, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता, तो आप क्या करते, आप सिर्फ और सिर्फ पावर का साइन देखते हैं कि पावर का साइन क्या है, अब यहां पर पावर का साइन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स, और कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग, ठीक है, क्लियर है, आप इस क्वेश्चन को
ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, आप कई सारे सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरह से इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। ओके, तो लगभग सभी क्वेश्चन इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके हो जाएंगे, आप इसको देख लेना, कर लेना। दो ही क्वांटिटी है, पावर और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे रखी है, पावर निकल जाएगी, पावर दे रखी है, फोकल लेंथ निकल जाएगी, विद प्रॉपर साइन और यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, पर मीटर वैल्यू होती है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसी वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा क्या रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या रहेगा हमारे पास, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म हमारे पास ये टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो टॉपिक है वो किस तरह से रहने वाला है। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा जैसे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। ठीक है, वहां पर ग्लास स्लैब थी, यहां पर हमारे पास क्या है प्रिज्म। तो प्रिज्म के लिए जैसे हमने वहां किया था, ये एक एक्टिविटी भी है, मैं आपको एक्टिविटी भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म हमारे पास एक इस तरह से हमारे पास एक ग्लास मीडियम होता है, ग्लास का बना हुआ एक मीडियम होता है, और ये थ्री डायमेंशन है, क्योंकि थ्री डायमेंशन पिक्चर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। इस तरह से ये क्या होता है, 3D एक पिक्चर है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, तो ये पिक्चर भी आपने बनानी सीखनी है, और एक्चुअली में कैसा होता है मैं आपको अपने हाथ से दिखा रहा हूं, ये होता है, ये हमारे पास होता है प्रिज्म। अभी कैसे बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से आपके सामने है। ओके, जो आपको दिखाई दे रहा है वो 3D होने की वजह से चलो आपको हल्का फुल्का आइडिया हो रहा है, लेकिन जब आप देखते हो, जब मैं आपका क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक ट्रायंगल फॉर्म में नजर आएगी, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, बल्कि ये पूरी इस तरह से 3D एक सिस्टम है। ओके, और कांच का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, अगर गिर जाए तो ये टूट जाएगा। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स आपको याद रखनी है, उन टर्म्स के अंदर ये आपके पास, यानी कि अगर हम इसकी बात करें ए ई डी सी, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हमारे पास यहां पर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, एक होता है AEDC और एक होता है AEFB। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं हमारे पास, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कितने होते हैं, टू। ओके, ये ABC जो हमारे पास यहां पे दिखाई दे रहा है ABC, ये आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ओके, ये AE ये होता है हमारे पास एज ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये कितने होते हैं, 1, 2, 3, तीन हमारे पास होते हैं एज ऑफ प्रिज्म। प्रिंसिपल सेक्शन हमारे पास अभी अगर हम इसकी बात करें तो दो होते हैं, वैसे आप जितने मर्जी बना सकते हो, ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे, वैसे तो एक बार दो ही होंगे, नहीं, एक दो, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इस तरह से दो हमारे पास होते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। अब ये होता है एंगल ए लगा लो यहां पर, या सी लगा लो, या बी लगा लो, ये होते हैं हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपको प्रिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है, दिखता कैसा है वो मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से आपके पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रिज्म, इससे रिलेटेड आपको ये डायग्राम, और ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपके पास क्या रहेगी, डेफिनेशन आपके पास रहेगी ट्राइंगुलर प्रिज्म इज ए होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस
रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद या बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इंक्लाइंड टू सम एंगल। तो ये रहने वाली है आपके पास डेफिनेशन ऑफ ए प्रिज्म, आपके पास ये रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के बारे में पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ग्लास स्लैब के अंदर एक प्रॉपर डायग्राम बनाया था, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है और दो रिजल्ट याद रखने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बुक में ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, आप उसे वहां से भी देख सकते हो सीजन बुक के अंदर। अब हम चलते हैं जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हमें करना है उस पार्ट की तरफ, और जैसे मैं आपको वो करवा रहा हूँ आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। आप उसके अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई आपके नंबर कट नहीं होंगे। एडिशन करना चाहते हो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हो बुक में से, नहीं तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सफिशियंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ। हमें यहां पर दिखाना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के लिए सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा, और प्रिज्म आपने 3D वाला नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है इस तरह से। तो ये रहेगा आपके पास प्रिज्म, लेबल कर लेते हैं ए बी सी, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। तो ये आपने एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर दी है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, इस तरह से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, ओके। अब होगा क्या, आपको खुद समझदार हो कि यहां पर है रेयर मीडियम और इसके अंदर है डेंसर मीडियम, ग्लास मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, जब भी लाइन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, इस सरफेस के ऊपर एबी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और वो बन जाएगी आपकी नॉर्मल वन, एन वन, ठीक है। आप एन वन लाइन ड्रॉ करोगे। अब होना क्या चाहिए, ध्यान से देखो, ये हमारी है इंसिडेंट रे, आई, आई स्टैंड फॉर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है यहां पर, ठीक है। ज्यादा लेबलिंग नहीं कर रहा, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप इसे ओ लेबल कर सकते हो, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा क्या होगा, मैसी हो जाएगा हमारा डायग्राम। तो ये मेरे पास है इंसिडेंट रे, यहाँ पर फॉल कर रही है, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है मेरे पास नॉर्मल रे। अब ध्यान से सुनो, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि भाई ये सीधी लाइन यहाँ से निकल जाती, पास हो जाती स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी डेविएशन, हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट रे एंटर कर रही है एयर टू ग्लास प्रिज्म, यानी कि रेयर टू डेंसर। इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे हमारी होगी वो इस नॉर्मल की तरफ, एन वन की तरफ बेंड हो जाएगी। कैसे होगी, इस तरह से होगी, सपोज करो इस तरह से बेंड हो जाती है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लेबल करेंगे एंगल आई और इसे लेबल करेंगे एंगल आर वन, इसे क्या करेंगे, लेबल करेंगे एंगल आर वन, ठीक है। आपको यहां तक ऐसे करना होगा, क्लियर है, ओके। अब चलें इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ध्यान से देखो, जैसे ग्लास स्लैब में हुआ था, इंसिडेंट रे आई थी ग्लास स्लैब के अंदर आ गई थी, फिर वो क्या रही, ग्लास स्लैब से बाहर जा रही है। यहां पर इंसिडेंट रे जो हमारी है ग्लास स्लैब के अंदर आ गई है, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये क्या होगी, ये इस प्रिज्म से बाहर आ रही है, जब बाहर आएगी तो अगेन यहां पर क्या होगा, डेंसर टू रेयर वाला सिचुएशन होगा। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ था रेयर टू डेंसर, अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर, अगेन रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में अब क्या करेंगे, हम इसे मान लेंगे इंसिडेंट रे, इसे मान लेंगे इंसिडेंट रे, यहां पर हम करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हमारा एन टू नॉर्मल टू, ओके। और यहां पर हो क्या रहा है, डेंसर टू रेयर हमारी लाइट मूव कर रही है,
जब डेंसर टू रेयर मूव करती है तो क्या होता है, रिफ्रेक्टेड रे, अब ये इंसिडेंट रे बन चुकी है, रिफ्रेक्टेड रे क्या करती है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर रेयर टू डेंसर में क्या होता है, मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, और यहां पर क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारी नॉर्मल रे है, इसे कैसे चले जाना चाहिए था, इसे इस तरह से चले जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से ये रे बाहर निकल जाएगी। ओके, तो अब क्या बनेगी, वैसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रेक्टेड रे है, सेकेंड रिफ्रेक्शन के फिनोमेना के इसमें इंसिडेंट रे है, रिफ्रेक्टेड रे है, लेकिन जब हम ओवरऑल बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे यहां पर, ठीक है, और इसे बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे इसे बोला जाता है। अब यहां पर दोबारा लेबल कर लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा आर टू, ये बन जाएगा हमारा एंगल ई, एंगल ई मीन्स एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। ओके, ठीक है, अब इसको टचअप दे देते हैं, फिनिश कर देते हैं इस डायग्राम को, मतलब डायग्राम यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ रिजल्ट हमें ड्रॉ करने हैं, इसीलिए हम इसको कंप्लीट टचअप कर देते हैं। और टचअप कैसे होगा, ध्यान से देखो, अब आपने क्या करना है, इस रे को, ये क्या है हमारी इमरजेंट रे, इसको बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, डॉटेड फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में से बैकवर्ड शिफ्ट कर दो, तो ये क्या थी हमारी एक्सपेक्टेड इंसिडेंट रे थी, या एक्सपेक्टेड रिफ्रेक्टेड रे भी आप यहां पर इसे बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक्चुअली में तो रे इस तरह से बाहर आ रही है, मींस यहां पर ये एंगल बन जाएगा डी, यहां पर ये एंगल क्या बनेगा, डी, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है इसे, एंगल डी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल डी इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो यहां पर हमारा ये डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो दो रिजल्ट याद रखने हैं, वो दो रिजल्ट याद रख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू, एक रिजल्ट तो आपने ये याद रखना है, ठीक है, एंगल आर वन इज इक्वल टू एंगल आर टू, और एक आपने रिजल्ट याद रखना है, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो ये एंगल बनता है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी लाइक दिस, ये वाला, तो ये होता है आपका एंगल आई इज इक्वल टू प्लस एंगल ई के इक्वल होता है, और अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ एंगल ए की तो ये आपका इक्वल होता है सम ऑफ आर वन प्लस आर टू। ओके, तो क्या हो सकता है, आपके पास कोई डायग्राम दिया हुआ होगा, या तो आपके पास सीधा क्वेश्चन ये आएगा, राइट या एक्सप्लेन रिफ्रेक्शन थ्रू ए प्रिज्म, एक्सप्लेन रिफ्रेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बताओगे, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी वो सफिशियंट है, आपने उतनी ही बतानी है, डेफिनेशन डायग्राम, दूसरे नंबर पर आप ये बताओगे यानी कि डायग्राम, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रे टू प्रिज्म, दिस विल हैपन एंड देन दिस, यहाँ पर रिफ्रेक्शन वन टाइम हो रहा है, रिफ्रेक्शन वन हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हुआ है रिफ्रेक्शन टू, यहाँ पर रिफ्रेक्शन टू। ओके, इस तरह से आप ये डायग्राम कंप्लीट करके बाद में सीधा ये दो रिजल्ट बना के आओगे। अदरवाइज क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको डायग्राम दिया होगा, डायग्राम के अंदर आपको जैसे यहाँ पे आई आर वन आर टू ई और डी और ए, इस तरह से आपको कुछ डाटा दिया होगा और इन रिजल्ट के बेसिस पर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे सपोज करो आपको एंगल ए की वैल्यू दे दी, सपोज करो आपको एंगल ए की वैल्यू दे दी और आर वन की वैल्यू दे दी, एंगल ए और आर वन, तो कुछ आपसे पूछ सकते हैं एंगल आर टू कितना होगा ये बताओ, ठीक है, तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को यूज करके बता सकते हो, या फिर आपके पास एंगल डी दिया हो सकता है, या फिर आपके पास एंगल ए दिया हो सकता है, आई दिया हो सकता है, ई दिया हो सकता है, और आपसे पूछ लेंगे बताओ भाई एंगल डी कितना होगा, या फिर जो रिफ्रेक्टेड रे है वो किस एंगल से डेविएट हो जाएगी, तो आप एंगल डी निकालोगे इस इक्वेशन का यूज करके और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये डायग्राम है, थोड़ी सी आप थ्योरी लिखना चाहते हो तो आप बुक से लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, डायग्राम, रिजल्ट, डेफिनेशन, और जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे वो पॉइंट्स आपने याद करने हैं, ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, और यू कैन से सिंपल प्रिज्म। ओके, तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए यूजेस, हमने डिस्कस किया पावर, हमने डिस्कस किया पावर के न्यूमेरिकल, और हमने डिस्कस किया है रिफ्रेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो आई होप कि आज आपको कुछ समझ में आया होगा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू वेरी मच।